हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में हिंदी का नियम क्या है और हिंदी के नियम की सीमाएं और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, और आज हम आपका देखेंगे वाष्प दाब क्या होता है और राउल्ट का नियम क्या है बच्चों, और यदि समय रहा तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने आपकी हेडिंग यहाँ पे लगा रखा है बच्चों, वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्या होता है। तो सबसे पहले वाष्प दाब होता क्या है और इसको हम समझें। जैसा कि यहाँ पर हमने बच्चों, यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया और और इसको हमने क्या किया, किसी से ढक दिया बच्चों। इस कंटेनर को हमने क्या किया बच्चों, ढक दिया, और यहाँ पर हमने एक आपका वोलाटाइल लिक्विड ले लिया बच्चों। यहाँ पे हमने आपका एक वोलाटाइल लिक्विड मतलब वाष्पशील द्रव ले लिया है बच्चों। देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक आपका कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने किसी से ढक दिया है, और इस कंटेनर को ढकने के बाद इसमें आपका एक लिक्विड लिया है हमने, और ये आपका है वाष्पशील द्रव है बच्चों। अच्छा, ये बताइए कि प्रत्येक द्रव जो आपकी वाष्प सील होती है उसके पास कुछ न कुछ वाष्प तो पहले से ही होते हैं, तो मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ वाष्प क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ न कुछ वाष्प आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बच्चों बढ़ाएंगे, मतलब इसको हम क्या करें टेम्परेचर देंगे, वैसे वैसे आपके पार्टिकल्स वेपर में चेंज होंगे। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, ये आपकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। क्या बच्चों इतनी बातें समझ में आई, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, वेपर बनेगा, तो मतलब क्या बनेगी बच्चों, आपकी वाष्प बनेगी। जब किसी लिक्विड को हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो देख रहे हैं जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आपके वेपर में चेंज हो रहे हैं। और एक बात और बच्चों, ये कौन से पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, जो आपके सरफेस पर है, जो द्रव के बच्चों सतह पर है, ये पार्टिकल्स आपके चेंज हो रहे हैं किसमें, वेपर में चेंज हो रहे हैं। तो यही पार्टिकल्स, और यही पार्टिकल्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बच्चों टक्कर करेंगे, और जब टक्कर करेंगे और जब यहाँ पर बच्चों ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टक्कर करने लगेंगे, और जो पार्टिकल्स टक्कर करने लगेंगे तो इनका क्या होगा बच्चों, कंडेंसेशन होगा, तो क्या होगा बच्चों, संघनन होगा। और बच्चों क्या होगा, ये संघनन होने लगेगा इनका, मतलब यहाँ पर दो प्रक्रियाएँ हो रही हैं, एक प्रक्रिया क्या हो रही है बच्चों, वाष्प बन रही है, और एक प्रक्रिया क्या है बच्चों, आपका संघनन हो रहा है। एक प्रक्रिया क्या हो रही है बच्चों, आपकी वाष्प बन रही है, और दूसरी प्रक्रिया क्या हो रही है बच्चों, संघनन हो रहा है। तो हम बात करें वाष्प दाब की, वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, जब आपकी संघनन की प्रक्रिया और वाष्पन की प्रक्रिया, जब आपकी संघनन की प्रक्रिया और वाष्पन की प्रक्रिया बच्चों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाए, साम्यावस्था में आ जाए, क्या बच्चों, जब आप संघनन की प्रक्रिया और वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्यावस्था में हो, उस समय वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है बच्चों, वाष्प दाब कहलाता है। क्या इतनी बातें समझ में आई, जब आपके वाष्पन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया क्या हो जाए, साम्यावस्था में हो जाए बच्चों, तो उस समय वेपर द्वारा, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो कहने का क्या मतलब निकला, वाष्प दाब जब वाष्पन तथा संघनन, जब वाष्पन तथा संघनन साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो, तो द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की वाष्प द्वारा
द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है बच्चों। अब ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो ये रहा आपका वाष्प दाब क्या होता है। अगर कोई वाष्पशील द्रव होगा और उसको हम गर्म करेंगे तो आपके वाष्पन की प्रक्रिया होगी, और वाष्पन की प्रक्रिया के साथ साथ संघनन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। और जब वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया इक्विलिब्रियम में हो जाए, साम्यावस्था में हो जाए, ये बच्चों किसका साइन है? आपका साम्यावस्था का साइन है। ये किसका साइन है बच्चों? आपकी साम्यावस्था का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन है। जब ये दोनों क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब आपका क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया रही वाष्प दाब क्या होता है। अब बच्चों हम सीखेंगे कि जब हम किन्हीं दो अब बच्चों हम सीखेंगे जब हम किन्हीं दो द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो उस समय हमारा वाष्प दाब क्या होता है। निकाय का वाष्प दाब, जैसे जो हमने यहाँ पर एक वाष्पशील द्रव ले लिया, वो वाष्पशील द्रव का नाम क्या है आपका? उस वाष्पशील द्रव का नाम बच्चों दे रहे हैं आपका क्या है? ए है। और यहाँ पर एक वाष्पशील द्रव ले लिया बच्चों, और उस वाष्पशील द्रव का नाम क्या है बच्चों? उस वाष्पशील द्रव का नाम रख रहे हैं आपका बी रख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ए के वेपर होंगे और यहाँ पर किसके वेपर होंगे बच्चों? बी के वेपर होंगे। अगर इन दोनों को हम क्या करें, ए को और बी को बच्चों हमने यहाँ पर मिक्स करें, एक दूसरे में क्या कर दें? मिक्स कर दें, तो आपका यहाँ पर जो सल्यूशन बनेगा बच्चों, उसका जो वाष्प दाब क्या निकलेगा, उसका जो वाष्प दाब पी टोटल क्या निकलेगा बच्चों? ये ए है, तो सपोज करते हैं ये आपका वाष्प दाब क्या है, ये वाष्प दाब क्या है आपका पी नॉट ए है, और ए वाष्प दाब क्या बच्चों आपका पी नॉट बी है। तो यहाँ पर लेकिन बच्चों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम मिलाएंगे तो आपका पी नॉट ए ये आपका कम हो जाएगा, पी नॉट भी बच्चों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मिलाने के बाद या इसके सरफेस बच्चों ए के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे और बी के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों ए के भी पार्टिकल्स मिलेंगे और बी के भी पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वह एक ही हो, ऐसा तो नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सतह पर आपके ए और बी के दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे और तब आपकी जो वाष्प बनेगी ए का भी बनेगा बच्चों और बी का भी बनेगा। तो जो पी टोटल आएगा वह आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी के योग के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो किसी निकाय का वाष्प दाब इस प्रकार से निकालेंगे, और इसी पर आपके राउल्ट ने काम किया। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम होता क्या है, और हम किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें वाष्पशील द्रव उपस्थित है उसका हम वाष्प दाब बच्चों कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, आओ इस पर हम डिस्कशन करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए हमने लगा रखा है आपके हेडिंग राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने क्या बताया? तो राउल्ट ने यही बताया कि किसी निकाय का जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वाष्प दाब होगा, वह निकाय में उपस्थित वाष्पशील द्रव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि आपका किसी भी निकाय का जो वाष्प दाब होगा, जैसे बच्चों ये आपका निकाय हमने ले लिया, ये आपका एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपका ए है, तो और इसका जो प्रेशर आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है? टोटल पी नॉट ए आ रहा है, और यहाँ पर इसका प्रेशर क्या आ रहा है बच्चों? पी नॉट ए है। और यहाँ पर हमने जो लिया था बच्चों उसका जो प्रेशर आ रहा था, वह पर प्रेशर आ रहा था बच्चों वो आपका क्या आ रहा था? क्या रहा था आपका? पी नॉट बी आ रहा था, वह क्या आ रहा था? पी नॉट बी आ रहा था। और ये आपका आ रहा था पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या आ रहा है? पी नॉट बी। और दोनों को बच्चों जब हमने मिक्स किया था
इन दोनों को बच्चों जब हमने क्या किया था, मिक्स किया था, जब मिक्स किया था तो आपका जो वेपर प्रेशर था, जैसे यहाँ पर आपका ए है और ये बच्चों आपका यहाँ पर क्या है बी है, फिर आपका ए है और फिर आपका बच्चों क्या है आपका बी है, इस प्रकार से या ए बी प्रकार यहाँ पर मिले हुए हैं आपके, और यहाँ पर आपके दो ये जो आपका कहीं पर ए होगा और सतह पर कहीं पर आपका क्या बी होगा। कहने का मतलब है आपके सतह पर ए और बी के दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे, और दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे तो मतलब दोनों पार्टिकलों का वेपर बनेगा बच्चों, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा, और ए और बी का दोनों बनेगा और दोनों आपकी द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे बच्चों, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो राउल्ट ने इसी पर काम किया और उन्होंने बताया कि ये जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल जो होगा वह आपके ए के आंशिक दाब, ए के आंशिक दाब मतलब हम मान रहे हैं आपका पी ए, ए के यहाँ पर जो उत्पन्न दाब है प्रेशर है वो क्या बच्चों पी ए है, और यहाँ पर जो बी का हम मान ले रहे हैं बच्चों आपको क्या है आंशिक दाब पी बी है। तो राउल्ट ने बताया कि किसी निकाय का जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब होगा पी टोटल व पी ए और प्लस पी बी के योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी भी विलयन में उपस्थित घटकों का वाष्प दाब, घटकों का वाष्प दाब उनके मोल प्रभास के समानुपाती होता है। तो क्या निकला बच्चों, किसी भी विलयन में उपस्थित घटकों का, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों दो घटक है ए और बी, और ए बी है तो ए का जो वाष्प दाब होगा, तो ठीक है बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका जो कंटेनर है यहाँ पर आपकी दो अवयव दो घटक दिख रहे हैं, एक ए है बच्चों और एक बी है, तो ए का जो वाष्प दाब बन रहा है बच्चों वो आपका क्या बन रहा है पी ए बन रहा है, और जो बी का बन रहा है बच्चों वो आपका क्या बन रहा है पी बी बन रहा है। तो जो पूरे निकाय का वाष्प दाब निकलेगा पी टोटल क्या होगा पी ए और पी बी के एडिशन के सम के बराबर होगा। तो बच्चों राउल्ट ने इस पर काम किया और राउल्ट ने बताया कि स्थिर ताप पर अगर हम टेम्परेचर को और आपका स्थिर कर दें, इस कंटेनर का यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज न करें, तो इस निकाय में उपस्थित घटकों का चाहे पी ए हो और चाहे पी बी हो और चाहे और भी घटक हो, तो उनका जो वाष्प दाब होगा आंशिक वाष्प दाब क्या होगा इस निकाय में उपस्थित उनके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा बच्चों समानुपाती होगा। मतलब पी ए किसके समानुपाती होगा बच्चों एक्स ए के समानुपाती होगा, और जो आपका बच्चों पी बी होगा वह किसके समानुपाती होगा एक्स बी के समानुपाती होगा। तो अच्छा ये बताइए बच्चों पी ए समानुपाती किसके एक्स ए के हैं, पी बी समानुपाती है किसके एक्स बी के हैं। अगर आपका समानुपाती का साइन हटेगा चिन्ह हटेगा बच्चों तो एक नितांक आएगा, और वह नितांक क्या आएगा, तो वह नितांक बच्चों यहाँ पर आप देखिए जब आपका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या पी नॉट ए है, क्या है बच्चों पी नॉट ए है, तो ये नितांक इसके लिए आएगा। मतलब पी ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चों पी नॉट ए इंटू क्या आ गया आपका एक्स ए आ गया, और पी नॉट बी इसके लिए आएगा बच्चों मतलब पी बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों पी नॉट बी और इंटू एक्स बी आएगा। तो बस यही वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है और हमें मिल जाएगा इक्वेशन क्या होगा। तो राउल्ट ने क्या बताया, स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित घटकों का आंशिक दाब उनके मोल प्रभास के समानुपाती मोल प्रभास के बच्चों समानुपाती होता है, अर्थात
अगर इस निकाय की बात करें तो बच्चों, तो आपका जो पी ए होगा वह पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा बच्चों, और जो बच्चों आपका पी बी होगा वो क्या होगा बच्चों, पी नॉट बी, और क्या होगा बच्चों, एक्स बी होगा। तो ये डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली रख दे रहे हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये चीज़ आप यहाँ पर लिखते फिर इस चीज़ को लिखते, कोई बात नहीं, हमने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों आपका एक बार दिखा दिया है। तो इसे भी इक्वेशन एक मान लिए और इक्वेशन इसे दो मान ले रहे हैं बच्चों, और इसे इक्वेशन मान ले रहे हैं आपका ए। तो इक्वेशन एक व दो का मान, इक्वेशन एक व दो का मान इक्वेशन ए में रखने पर, इक्वेशन ए में रखने पर तो आपका क्या आएगा बच्चों, P टोटल इक्वल टू आएगा P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, और यही आप याद रखिएगा बच्चों, ये बच्चों आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस आपके यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आने के होते हैं, न्यूमेरिकल्स आने के होते हैं। इतनी बातें समझ में आए बच्चों, अगर हम इसी चीज़ को जो आपका ये आया इसे हम एक्स ए या एक्स बी के पदों में व्यक्त करना चाहें, तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपका एक्स ए और एक्स बी के पदों में व्यक्त करना चाहें, तो कहने का मतलब बच्चों आपको एक चीज़ पता है, किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन उपस्थित जो आपके घटकों का मोल प्रभास होता है उसका योगफल क्या आता है, सदैव एक आता है बच्चों। तो आपका जो एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वन मान लिए आपका होगा। तो बच्चों अगर एक्स ए इक्वल टू यहाँ सब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस एक्स बी, और इसे बच्चों हम दे दे रहे हैं आपका क्या, इक्वेशन नंबर 3। और इसे हम दे रहे बच्चों बी। और यदि बच्चों इक्वेशन 3 का मान यहां पर देखिए बच्चों, यदि हम इक्वेशन 3 का मान कहां पर रख दें, इक्वेशन बी में रख दे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहां पर हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों आपका क्या आएगा, जो पी टोटल आएगा वह क्या आएगा, एक्स ए इक्वल टू बच्चों 1 माइनस एक्स बी रखना है, मतलब पी नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, और बच्चों यहां पर क्या होगा आपका एक्स बी होगा, और यहां पर बच्चों क्या आपका ए है। तो आपको यहां तक तो समझ में आया होगा बच्चों, और या तो पी टोटल इक्वल टू यहां से क्या निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए आ गया, और माइनस पी नॉट ए और इंटू बच्चों क्या आ गया, एक्स बी आ गया, और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ गया। तो बच्चों यहां पर देखिए कि एक्स बी यहां पर भी है और एक्स बी यहां पर भी है, अगर हम यहां से एक्स बी कायमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब पी टोटल इक्वल टू क्या बचा, पी नॉट ए, अगर बच्चों हमने एक्स बी कामन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, प्लस पहले पी नॉट बी प्लस में बच्चों माइनस वाले इसके बाद लिख लेंगे हम, तो पी नॉट बी और माइनस पी नॉट ए, और यहाँ तो बच्चों आपका पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, एक्स बी आ गया। तो अच्छा ये बताइए बच्चों, क्या आपका वेपर प्रेशर घट गया, क्या आपका वेपर प्रेशर घट गया, तो कहने का ये मतलब निकला कि जब हम शुद्ध वाष्पशील पदार्थ लेंगे और यदि हम उनका क्या मिला लें, कोई विलयन बनाएंगे, तो आपका वेपर प्रेशर जायज सवाल है घट जाएगा, क्योंकि सतह पर बच्चों ए के भी पार्टिकल्स आएंगे और बी के भी पार्टिकल्स आएंगे, और भी यदि कोई होगा तो उसके भी पार्टिकल्स आएंगे। तो कहने का मतलब कि जब वाष्पशील, जब जब वाष्प शुद्ध वाष्पशील, तो कहने का क्या मतलब निकला बच्चों, तो जब
दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रव को मिलाते हैं तो वाष्प दाब उनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से कम हो जाता है, वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो ये बच्चों तो बच्चों ये आप याद रखिए, केवल आपको लर्न करने की क्या जरूरत है ये आपको याद रहे, ये और क्या याद रहे बच्चों, ये आपको याद रहे और ये आपको याद रहे और ये आपको याद रहे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब हम इस पर एक आपका न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है बच्चों, जैसे कि यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है, अंकित है, एक मोल हेप्टेन वाष्प दाब जिसका 92 mmHg है। mmHg क्या मतलब? मिली मीटर। ये क्या एसजी मतलब मरकरी को 4 mmOctane इसका वाष्प दाब 31 mmHg है के साथ मिलाया गया, तो परिणामी मिश्रण का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर आपको पता है कि किसी भी निकाय का परिणामी वाष्प दाब जो होता है पी टोटल, वह निकाय में उपस्थित जैसे कि आपको क्या है, हेप्टेन है, एक अवयव ये है और एक अवयव ऑक्टेन है, तो पी नॉट हेप्टेन इंटू एक्स हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू एक्स ऑक्टेन, युगफल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो पी नॉट हेप्टेन पता है, पी नॉट ऑक्टेन पता है, हमें एक्स हेप्टेन नहीं पता और एक्स ऑक्टेन नहीं पता। तो एक्स क्या बच्चों, मोल प्रभास है। तो यहां पर देखिए आपका जो एन हेप्टेन का जो मोल दे रखा है बच्चों वो आपका कितना दे रखा है, 1 mmol दे रखा है, और बच्चों जो आपका ऑक्टेन का दे रखा है वो क्या दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 4 mmol दे रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्स हेप्टेन तो क्या होगा, जायज सी बात है एक्स हेप्टेन क्या निकलेगा आपका, एक्स हेप्टेन क्या निकले बच्चों, एन हेप्टेन प्लस एन हेप्टेन और प्लस एन ऑक्टेन। तो बच्चों इसके मोल कितने, एक है, मतलब एक बटे हेप्टेन के मोल 1 प्लस बच्चों इसके मोल कितने थे, 4 थे, तो 4 मतलब क्या निकला, 1/5 निकला, और सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा बच्चों। तो जब काई आया एक्स हेप्टेन क्या है बच्चों, 0.2 आ गया। अब हमें चाहिए, ये मिल गया बच्चों, अब हमें एक्स ऑक्टेन चाहिए। तो एक्स ऑक्टेन आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो डायरेक्टली एक फार्मूला आप जानते हैं कि जो मोल प्रभाजों का योगफल होता है कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स हेप्टेन प्लस एक्स ऑक्टेन इक्वल टू बच्चों 1।
तो एक्स हेप्टेन पता है 0.2 है, तो प्लस एक्स आक्टेन आक्टेन इक्वल टू बच्चों 1, तो एक्स आक्टेन क्या निकलेगा आपका, एक्स आक्टेन 1 माइनस 0.2। और बच्चों अगर आपको 1 में से 0.2 लगा घटाना है तो 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव नीचे दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव 2 लगा दिए तो 10 से 2 के 8, और दशमलव बच्चों 1 तो कैरी हो गया था, 1 तो यहाँ पे ले लिया था तो 0.08 पड़ा। तो मतलब क्या निकला, एक्स आक्टेन जो बच्चों निकला वो 0.8 निकला। तो रखिए फिर P टोटल इक्वल कितना, 92 इंटू 0.2 प्लस, और आक्टेन कितना बच्चों 31 इंटू एक्स आक्टेन क्या 0.8। देखिए बच्चों 2 × 2 = 4 और 9 × 2 = 18, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगाइए, और प्लस 8 × 9 = 8, 8 × 3 = 24, एक दशमलव एक अंक दशमलव लगाइए, अब जोड़िए 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 1, 10 × 10 = 4, 8 × 4 = 12, 12 × 13 = 3 = 1, और 2 × 1 = 3, 3 × 4। तो इतना HG आपके निकाय का टोटल प्रेशर आ गया बच्चों। तो ये आपका बहुत ही सरल होता है बच्चों, इसमें आपको राउल्ट के ला में कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आ रहा है तो आसानी से आप इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे कर लेंगे, और हमें आशा है कि आपको राउल्ट का नियम और राउल्ट का जो न्यूमेरिकल बताया गया बच्चों समझ में आया। और यदि बच्चों आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स बचे हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिए, और कल के वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।